अस्सलाम वालेकुम सबको भी, और आगो जो है एलरगू नमस्ते हमारे बल्लारी के भाइयों को, कर्नाटक के सभी भाइयों को, बेंगलोर के, गंगावती के, होसपेट के और आसपास कुडली के, कोट्टूर, होसपेट, बल्लारी सब जना को अस्सलाम वालेकुम, दिल से प्यार भरा सलाम हम दो और इदरीस साइन एंड टीम के तरफ से। हमारी सारी टीम के साथ हमें लाइव में आने का मकसद क्या है गत बोले तो गिर्रे गिच्चे है मैं बोलने वाला हूँ क्या है गत बोले तो है नहीं, हमारे ब्लैक टाइगर साहब और हमारे इस्माइल भाई और हाशिम सपोर्टर, वीडियो सपोर्टर एंड सबको भी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, इट्स मी रिहान भाई, वालेकुम अस्सलाम, मंसूर, वालेकुम अस्सलाम, सबको भी वालेकुम अस्सलाम। आज हमें लोकेशन चेंज करने की वजह क्या थी तो बोले तो आज जबरदस्त लोकेशन के साथ है हमें, ये क्या बोलते हैं तो हमारे बल्लारी का तुर्की पार्क एयरपोर्ट के पीछे आता, ठीक है, एयरपोर्ट के पीछे साइड में आगो जो है ये पार्क है सो, और ये लाइव आने का मेन क्या है तो बोले तो मैटर सुनाने वाला हूँ, जिल जिल जिगा जिग, सुनो भाई। कुछ ही दिन खाली, यानी दो दिन बाकी है, तीन दिन बाकी है, 20 नवंबर को, ठीक 20 नवंबर को यानी 19 की रात, ठीक रात के 12 बजने के बाद से लेते हुए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चारवां दिन, पांचवां दिन तक भी सेलिब्रेट बेसब्री से इंतजार था हमारे को। अब एक दो दिन में, तीन दिन में हमारे भाई का बर्थडे आने वाला है, हमारे इदरीस साइन एंड टीम के तरफ से हमें सारे इकट्ठा होकर बहुत जबरदस्त शामिल होकर हमें बहुत जबरदस्त मनाने वाले है। और खास क्या बात बोल रहा हूँ तो, और अब एक बात बताते हैं, देखो जिल जिल जिगा जिग शूटिंग चल रही है हमारी, पहले ये बता डालते वहां बैठ हमारे भाई हमारे है साथ में, तो ये है नहीं क्या है तो बोले तो ये लोकेशन तुम्हें जानते चलेंगे, हमारे बल्लारी के भाई कौन, तुम ये लोकेशन को जानते रहे तो जरा कमेंट में जरूर बताइए, आप फिल्म में है क्या भैया, आप फिल्म में, मैं हूँ भाई, जरूर हूँ, लेकिन बड़े बड़े सीना थे सो जरा कट हो गए है उसमें, छोटे छोटे छह सीना। तो ये एयरपोर्ट के पीछे का लोकेशन देखो भाई, हम यहाँ है और भैया की शूटिंग वहाँ चल रही है, नजीक जाकर बताने वाला हूँ। बेसब्री से इंतजार जो था नवंबर 20 तारीख को तो बर्थडे करीब ही छह भाई, और जितने भी भाया और सताते और पेरेंट्स ज्यादा बोलते कि हमारे भाया फोन आकर को हमारे बच्चे मिलना चाह रहे है, बात करना चाह रहे है, ये शादी को आए थे कहते ना तुम्हें, वो शादी में मिले कहते ना तुम्हें, मेरे बच्चे के साथ फोटो उतरना था, ऐसा कुछ ख्वाहिशात दिल में है तो बोले तो फ्री टाइम निकाल को तुम्हारे वास्ते में, खास कर को तुम सबके वास्ते में हाजिर रहने वाले है। और कब का तो बोले तो 20 नवंबर यानी 3 दिन बाकी है, सिर्फ 3 दिन में केसी रोड गीता नर्सिंग होम हॉस्पिटल के ठीक ऑपोजिट हमारी ऑफिस है, बॉर्डरबंडा सर्कल जर्रा सामने आगो जो है, केसी रोड, कृष्णा कॉम्प्लेक्स और गीता नर्सिंग होम हॉस्पिटल के ठीक ऑपोजिट ऊपरीच हमारे बैनर लगा को रहते, और वहाँ आगो जो है तुम्हें जितने भी फैमिलीज है और भाया है और बच्चे है, बुजुर्गा है, जितने भी भाया है हमारे, उधर आको सुबह के 9 बजे 10 बजे से लेते हुए शाम के 5 बजे तक मिल सकते है, लेकिन 5 बजे के बाद हमें जरा बाहर का प्रोग्राम रखने को है, और हम और भी भाया जरा इंतजाम कर को धूमधाम के साथ जरा बुला भेजते हैं, उनके पास भी हमें जाने के ख्वाहिशात रखते हैं, उनके पास भी जाना बोल को हमें प्रोग्राम सेट करे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 नवंबर याद रखो, 20 नवंबर 19 की रात से शुरुआत होती है, 3 से 4 दिन तक जिल जिल जिगा जिग होता है, और मैं कैरेक्टर में उतरा नहीं हूँ अभी तक, अरे हमारी शूटिंग वहाँ चलने को है, हमारे नसरुल्ला मामू भी कैरेक्टर में उतरते हैं, इन्हों गाड़ी के ऊपर ब्लैक टाइगर का बोल को दला को है, जरा संभाल लो और इनको देख लो, इन्हें टाटा स्काई एयरटेल ऑफिस गिर्रे गिच्च हमारे इस्माइल भाई और हमारा हाशिम सपोर्टर, हमारा बेस्ट सपोर्टर्स भाई, इन सब बच्चों का हर हमेशा साथ रहना बोलता हूँ मैं, हमारा जानी और हमारे जानी और इस्माइल और छोटा इस्माइल और हाशिम भाई और जितने भी भाया है हमारे साथ में वीडियो बनाने के टेम्पो, ये छतरी वगैरह वगैरह, हमारे कैमरे के बैग, ये सब चीज़ों का हिफाजत करते, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ साथ ही साथ में। और आगे जो है जरा खरीब जाओ बताने वाला हूँ, देखो यहाँ क्या चल रहा है तो शूटिंग, 20 नवंबर भाई का बर्थडे है, जिल 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 जिल, वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, वालेकुम अस्सलाम अजीम भाई, वालेकुम अस्सलाम साबिर अहमद, वाह हेलो ब्रो, थैंक यू सबको भी, अगर जवाब नहीं दिया हूँ तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ शूटिंग चल रहे हुआ है, यहाँ देखो तुम्हें साहिल खान बल्लारी, वालेकुम अस्सलाम अतहर, हाय बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच अतावर जदव 111,
हो गया एक लास्ट सेकेंड। अरे हमारे भैया यहाँ बैठ को है भैया, 20 नवंबर को हमारे भाइयों को पूरे आगे ऑफिस करने बुला भेज डाला हूँ मैं। अरे गिरिया हमारा आखिर जरा छठ गए नहीं ऐसा ही होगा याद हो गया तो 20 नवंबर को हाँ बोलो वालेकुम सलाम 20 नवंबर को ठीक सुबह के 9:30-10 बजे से लेते हुए शाम के 5 बजे तक ऑफिस में जितने भी भाइया हमारे बुजुर्ग है पेरेंट्स है और बच्चे मिलना चाह रहे हैं गतबोल को काम भी नहीं मिलते गतबोल को बोलते थे ना। और 20 नवंबर को पूरा सुबह के 10 बजे से लेते हुए शाम के 5 बजे तक इन सबको वेलकम है दिल से। हमारे ऑफिस का एड्रेस मेंशन करने वाला हूँ, उस एड्रेस पर जरूर आ सकते हैं। केसी रोड गीता नर्सिंग के वडरबंडा, केसी रोड गीता नर्सिंग होम के पुरानी हॉस्पिटल के अपोजिट हमारे बैनर लगे हुए रहते हैं, उधर ही चाको सब जने मिल सकते भाई और बधाई दे सकते बहुत सारी खुशियां के साथ और बहुत इंतजार के साथ। हमें जपले को है 20 नवम्बर यानी 19 नवम्बर से रात से शुरू होता है 3 से 4 दिन तक जिल जिल जिगा जिग रहता हमारे भाइयों को वेलकम। आखिर क्या बोलने वाला है तू जल्दी बोल। जरूर आ सकते हैं और आखिर 19 से 20 तक 21 तक भी बल्लारी में रजा गारंट और सही भा और स्कूल की रजा हुई है उस दिन क्या आखिर का ये था एग्जाम हो आखिर का एग्जाम था 20 नवंबर को वो एग्जाम क्या भी ऐसा तो ये नहीं हुआ डायरेक्ट स्कूल वाले के तरफ से कैंसिल हुआ गए भाई 20 नवंबर को आखिर भी मिलने वाला है आप सब नहीं तो क्या तू बोल को कैंसिल कराएगा तो नहीं नहीं मैं बोल को क्या भी स्कूल के तरफ से कैंसिल हुआ गए तो याद रखिये 20 नवंबर गिरी गिच। और अभी बोलने वाला हूँ नजर शूटिंग में बिजी है मैं बता डाल तो और चीचा अभी एक दो बात मैं बात करने वाला हूँ देखो भाई और किसी तो भी सलाम का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो रिहान भाई वालेकुम असलम खदीर भाई वालेकुम असलम सबको वालेकुम असलम वालेकुम असलम वालेकुम असलम वालेकुम असलम ए वेलकम टू बादशाह भाई आ चीचा बहुत साल के बाद बहुत दिनों के बाद बहुत महीने के बाद सॉरी थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम सबको भी है ना मुबारक हो के है ना बहुत खुशी भी बड़े पर्दे में देखने के बाद इतनी बधाई दिए मुबारक हो हमारे भाई बड़े पर्दे में दिखा पहली बार और बल्लारी में थैंक यू बहुत शुक्रिया। और है नी खाली एक झलक दिखते ही इतने लोग चीखा मारे इतने टैगा थे मेरे मोबाइल में इतने जने टैग करे मेंशन बैक करने के वास्ते में भी जरा फुर्सत नहीं थी। आई एम रियली सॉरी भाई सबको भी है नहीं जो है मेन खास वजह क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो वो फिल्म में आगे जो है बहुत सारे रोल थे मतलब बहुत ज़्यादा तक शूटिंग चली थी लेकिन हॉटस्टार में कुछ ही दिन में 8 या 10 दिन में हॉटस्टार में फिल्म का पूरा फिल्म छोड़ने वाला है उसमें तुम्हें आगे है नहीं जाओगे हॉटस्टार में देखेगा तो हॉटस्टार या कौन से की ऐपा है ना प्राइवेट ऐप से फिर एक्स्ट्रा पैसे डाल को जो देखते लोग उसमें आगे जो है पूरा फिल्म डालता पूरा फिल्म डालता उसमें मैं पूरे कट्टा जो कट्ठों को थे वो सभी इसमें ऐड होता गए कंपनी ऑन सैयद रामतुल्ला विच फिल्म भारतीय रणागल बोल को एक फिल्म आगो था कन्नड़ा मूवी उसमें मैं हूँ जरा से दिखा हूँ सो और बहुत सारा शूटिंग है वो कट कर को है सीना और शिवराज कुमार सर के भी सीना बड़े बड़े कट कर को है वो पूरा फिल्म आगो जो है हॉटस्टार में पूरे सीना रहते और पूरे फिल्म में अल्हम्दुलिल्लाह काम मिले वहाँ आगो जो है पूरा ज़बरदस्त है मैं भी देखने बेताब हूँ और आगो जो है जरा दिखा हूँ अब बिग पर्दे में और सब जने सपोर्ट करे और बहुत जने प्यार दिए और बधाई दिए कंग्रेचुलेशन बोले इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सो मच। नंदू भाई तुम्हें कहाँ अब्बू मैसेल्फ मुजमिल नंदू नहीं मेरा नाम ममदू मोहम्मद हुसैन जियर अशरफी पूरा नाम है मेरे भाई और नंदू का तो नहीं है भाई नंदू का तो बोले तो जरा गलत होता माना संची चैन के गले में सुनने की चैन डाल लिएगा तो बोले तो अब कैरेक्टर में उतरने वाला हूँ कहीं को डाल लिया तो बोले तो मैं जरा कैरेक्टर में उतरने वाला हूँ तुम्हें देखोगे तो अब मैं कैसा आ गया तो मैं भी रहा हूँ आपको देखने के लिए भजन राजस्थान से थैंक यू सो मच किंग शाब 00001 किंग चप शुम थैंक यू कहाँ हो मुंबई नहीं मैं यहाँ को जो है बल्लारी कर्नाटक से हूँ कर्नाटक हमारी जान है हमें इसी में पैदा भी है इसी में दफन होंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एसआर के आखिफ रकीब थैंक यू सो मच सबको भी और फिर से रिपीट करता हूँ देखो भाई 20 नवम्बर सुबह के 10 बजे से बोलो सोगर यस 20 नवंबर सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग सब जने भी
मिलने वाले है हमारे एड्रेस को, तुम्हें आ जा सकते। क्या भी ऐसा ये नहीं है कि उस दिन हमें ऑफिस में नहीं रहते, इन्हें रहा इन्हें नहीं रहा, इन्हें रहे तो इन्हें नहीं रहे, आखिब नहीं है उन्होंने है तो नहीं, पूरे जने रहते भाई। हमारे नसरुल्ला मामू भी रहते, इस्माइल भाई भी रहते, हमारे बादशाह भी रहते, हमारे आखिब भी रहते, हमारे इदरीस भैया भी रहते, और हमारे इनशाला हमारे फैमिलियाँ और हमारे चाहने वाले हमारे घर वालों के भी तरफ से सब जने भी रहते भाई। कौन भी नहीं गए तो नहीं, सब जने भी मिलते तुम्हें जरूर आको है नहीं, एक जनांग मिले तो एक जनांग नहीं मिले ऐसा, उन्हें एक जनांग मिलना था मुझे, आइए मिस हो गया जी आइयो ना, कहा है गिड्डू दादा वो ये तो पूछते रहते है। सब जने भी मिलते है, ऑफिस को आएगा तो बोले तो ऑफिस हमारा मेंशन भी करता हूँ एड्रेस। अब इस लाइव के वीडियो में एंड करने के बाद मैं मेंशन करने वाला हूँ। सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और 20 नवम्बर को वेलकम करते हुए आप सबका इंतजार रहेगा, जरूर 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 आइए। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह खैर, दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज सबको भी। इदरीस भाई कहाँ है? इदरीस भाई आओ ना, वहाँ शूटिंग कर रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच सबको भी, अगर किसी तो भी जवाब नहीं दिया हो तो हेलो हाय हाउ आर यू, इन सबका जवाब देता हूँ और सॉरी बोलता हूँ भाई किसे भी मैं अगर जवाब नहीं दिया हो तो, अगर बुरा लगा रहा तो। जैद किंग बॉस सलमान भाई जैद तरफ से बिग फैन, थैंक यू सो मच जैद किंग 27, थैंक यू सो मच। यमिंग नूर आ जाना, एमडी मुहब मिस्टर मुहब 04 वालेकुम अस्सलाम, एमडी गौस दराज वालेकुम अस्सलाम मेरे भैया, इन आगो इन कौन भी दूसरे नहीं जेसु दराज भाई हमारे एमएलए हमारे काउंसलर हमारे सभी इन हमारे वीडियो में खास कर को बनते सो इन आज इनका कैरेक्टर मैं करने वाला हूँ। चैन डाल ले जिल जिल जिगा जी जबरदस्त ब्रेसलेट गले में ये चैना सब भी डाल ले हूँ भाई, सुनने के समझाना हो डम्मी कैसी है फिर। और थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम औरा 07 वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सबको भी वालेकुम अस्सलाम, दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार मिला आपके तरफ से, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें और ज़्यादा इंटरटेन करेंगे, हर सुबह आपके चेहरे पे हंसी लाने की वादा करते हैं, हंसी लाएंगे ज़रूर। क्या भाई बिग स्क्रीन, थैंक यू सो मच सबको भी, थैंक यू भाई बहुत शुक्रिया, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो। अब मेरा कैरेक्टर में उतरने का वक्त आ गया है।